हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस। तो बच्चा लोग का कंप्लेंट ढेर सारा है कि सर हमको ट्रिगो में इतना चीज तो पढ़ा दिया है, इतना अच्छा अच्छा कंसेप्ट आपने बता दिया है, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा चीज बताइए सर, क्योंकि ट्रिगो से 20-25 मार्क्स हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाता है, रिलेट कर करके, रिलेशन कर करके सवाल। अभी भी थोड़ा सा हमको परेशान हो जाते हैं, बना तो लेते हैं लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो बच्चा आप कहाँ पे मिस कर रहे हो, कहाँ पे आप परेशान हो रहे हो, उसके जिक्र आज हम लोग करने वाले हैं और आपके लिए हम सवाल लेके आए। इस तरह का जो सवाल आपको दिखेगा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा पाइएगा तो आपका मिनट्स ज्यादा लग जाएंगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा, नहीं और आप क्या करिएगा, परेशान हो जाइएगा। लेकिन हम जो ये तीन सवाल है, तीनों सवाल का ऐसा बता रहा है कि कोई लंबा प्रोसेस नहीं जाना है, कोई प्रॉब्लम में नहीं जाना है, आप डायरेक्ट सवाल को बना पाओगे। देखिएगा कैसे, पहला जो आपको सवाल दिख रहा है, देखिएगा पहला जो सवाल आपको दिख रहा है वो क्या बोल रहा है, कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू एम बाई एन वैल्यू ऑफ टैन थीटा प्लस 4 बाई 4 कॉट थीटा प्लस 1, ये सवाल बोल रहा है आपका। तुम सोचोगे कि सर तो आसान सवाल है, तो कैसे कि सर साइन थीटा एम बाई एन दिया ही हुआ है और साइन थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि पी बटा एच होता है, तो हम क्या करेंगे, बी निकाल लेंगे और बी निकाल लेंगे तो टैन का वैल्यू भी हो जाएगा पी बटा बी और कॉट का भी वैल्यू पुट कर देंगे पी बटा बी और वहां पर पुट करके निकल जाएंगे। लेकिन मेरे भाई आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, बेस कैसे आएगा, फिर कैसे पुट करें, इतना लंबा प्रोसेस में नहीं जाना है। हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज का सवाल है वो हमको बताया है कि आप फॉर्मूला को रिड्यूस करो, सवाल को रिड्यूस करो किसी एक वेरिएबल के टर्म में, उससे क्या होगा कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा। देखिएगा कैसे, ऊपर क्या दिख रहा है आपको, टैन थीटा प्लस 4 दिख रहा है, नहीं तो लिख देंगे हम लोग टैन थीटा प्लस 4 और यहां पर दिखेगा 4 कॉट थीटा प्लस 1। तुमको दिख रहा है कि सर टैन और नीचे कॉट, तो कॉट को भी क्या कर सकते हैं हम 1/tan लिख सकते हैं, तो लिख देंगे 4 × 1/tan θ + 1। फर्दर जब हम लोग सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो देखिएगा क्या आएगा, टैन थीटा प्लस 4 तो रहेगा, इसको जब हम एलसीएम ले लेंगे तो आपको आ जाएगा, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो यहां आ जाएगा आपको टैन थीटा और ऊपर क्या आ जाएगा मेरे भाई 4 और ये यहां चल जाएगा तो आपको आ जाएगा टैन थीटा और मालूम है कि नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो देखिएगा तो ये 4 टैन थीटा और ये 4 टैन थीटा आपको क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपका जो वैल्यू लाना है किसका लाना है, टैन थीटा का वैल्यू लाना है, कोई परेशान नहीं होना है, नहीं कि सर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, निकाल लेंगे, पुट कर देंगे, सोल्व कर देंगे, गुणा कर देंगे, भागा कर देंगे, सलाह कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है। क्या काम करना है कि जो भी वेरिएबल है वेरिएबल को एक वेरिएबल में ले जाएंगे, हमारा वैल्यू छोटा आ जाएगा। इसको ना पूछ के आपसे ये पूछ रहा है कि टाइम थीटा का वैल्यू निकालो, तो कौन आसान से बनेगा ये कि ये, तो आपको एकदम सिंपल मालूम होगा कि सर ये आप आसान हो गया, आराम से बना पाएंगे। तो मेरे भाई जब भी अगर सवाल आपको दिखता है तो अगर इसको आपको रिड्यूस करना है और टाइम थीटा होता आपको बाबू क्या, पी बटा बी, पी आपको मालूम होगा, देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे साइन थीटा एम बाई एन, साइन थीटा आपको दिया हुआ है एम बाई एन, साइन थीटा होता है पी बाई एच, तो पी कितना हो गया एम, तो टैन थीटा में पी कितना, पी बाई बी होता है तो पी कितना हो गया सर एम। अब बोल रहा है कि सर बी होता है एच नहीं, तो एच दिया हुआ आपको एन, बेस कैसे निकलता है सर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे, नहीं तो बेस हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर, एच कितना है एन स्क्वायर और आपको पी कितना है एम स्क्वायर, तो आपका जो टाइम थीटा का डायरेक्ट वैल्यू आ गया वो आ गया आपका क्या, पी बाई बी, पी दिख रहा था एम, हमने बेस निकाल लिया, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, तो एम बाई अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। हमारा ये नहीं कह रहे कि सर आपसे नहीं बनेगा, लेकिन आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, बार बार पुट करोगे, गुना करोगे, तो इतना लंबा प्रोसेस जाने का कोई जरूरी नहीं है। हम क्या करेंगे, क्योंकि ऐसे क्या होगा कि आइडेंटिटीज का भी सवाल हमारा दिमाग में थोड़ा बहुत क्लियर होगा कि हमको क्या करना है कि वेरिएबल को इलिमिनेट करना है, वेरिएबल एक वेरिएबल में आ जाएगा तो आसान से बना पाएंगे। तो ये हो गया आपको पहला सवाल, आ जाता हम लोग दूसरा सवाल के ऊपर, देखिएगा सेकेंड सवाल आपको क्या बोलता है, सेम तरह का सवाल बोल रहा है, अगर कोसेक थीटा दिया हुआ है आपको बी बाई ए और पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बाई दिस, सेम सवाल है, देखिएगा
फिर सवाल है, सब ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है सर, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब टेंथ क्लास कैसे, स्पेशली हम टेंथ क्लास को अभी बता रहा हूँ, नहीं तो आपको ये लगना चाहिए कि आप जो पढ़े हो बहुत बेस्ट चीज पढ़े हो, यही सब बाकी एग्जामिनेशन में आते हैं। तो देखिएगा, कौशिक दे आपको बी बाई ए और ये पूछ रहा है, तो देखिए अभी हिंट्स देता हूँ सिर्फ, थ्री कॉट थीटा प्लस वन बाई टैन थीटा प्लस रूट थ्री, इसका बोलता है कि वैल्यू निकालो। फिर तुम बोलोगे कि सर वही काम फिर करें, कौन काम, आपने बताया था कि टैन को कॉट में बदल दो या कॉट को टैन में बदल दो, कर ले भाई इससे आसान होगा तुमको। तो चलिए सर हम पुट कर देते हैं, रूट तीन को रूट तीन रहने देते हैं और चलो अभी टैन को चेंज कर देते हैं, कॉट थीटा प्लस वन और टैन को चेंज कर देंगे तो आ जाएगा वन बाई कॉट थीटा प्लस रूट थ्री। कोई यहां पर इशू आया? नहीं सर कोई इशू नहीं आया। देखिएगा तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा आपको रूट थ्री कॉट थीटा प्लस वन बाई नीचे की ऊपर कितना आ जाएगा वो आपको कॉट, यहां तो आ जाएगा वन, सॉरी देखिएगा यहां तो सिंपली अगर हम एलसीएम लेने जाएंगे तो एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपको कॉट थीटा, कॉट वन के एलसीएम कॉट आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा सिंपली वन और ये यहां चल जाएगा तो आपको आएगा रूट थ्री कॉट थीटा। फिर कुछ कट रहा है वो, तुमको दिख रहा होगा कि सर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन पूरा कट गया, वन प्लस थ्री रूट टू कॉट और यहां भी है वन प्लस रूट थ्री कॉट, ये कॉट कहां चला जाएगा सर ऊपर, कहां चला जाएगा ये ऊपर, तो आपको आ जाएगा कॉट थीटा का वैल्यू पूछेगा। और आपको सिंपल मालूम है कि दिया हुआ है आपका सर अभी क्या, यहाँ पर देखिएगा कौशिक दिया हुआ है और कौशिक अभी बताए थे कि साइन का उल्टा होता है तो होता था पी बटा एच, तो क्या हो जाएगा एच बटा पी, तो एच दिया हुआ है पी दिया हुआ है नहीं तो कॉट का वैल्यू होता है आपको बी बाई पी। तो आराम से आप बेस दिख रहा होगा आपको, पुट कीजिएगा आराम से आपको आ जाएगा। तो ये जो दोनों सवाल अभी तक हम आपको बताए, इसका बताने का हमारा मकसद ये था कि कभी भी अगर दो दो को वेरिएबल आता है तो कोशिश कीजिए कि वेरिएबल को एक कर दे, ऐसे जो आपको सवाल पूछ रहा हो छोटा आ जाएगा, ये ना पूछ के डायरेक्ट तुमसे कॉट का वैल्यू पूछ रहा है तो ये निकालना आसान हुआ ना मेरे भाई। तो इसलिए सब कंसेप्ट आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग तीसरा सवाल को देखते हैं क्या बोलते हैं। देखिएगा ये बहुत एनसीईआरटी का ही सवाल है, बहुत आसान सवाल हमने लिया आपका, बस वही बात बताने के लिए कि पाइथागोरस थ्योरम से पीबीएच निकाल के फिर पुट करें, जोड़ घटाओ गुना करने में हम अपना जो दिमाग बार बार खपा रहा है वो नहीं करेंगे। सेम सवाल देखिएगा क्या बोलता है, कॉट थीटा सेवन बाई एट और ये पूछ रहा है, तुमको लग रहा है कि इतना लंबा चीज क्या पूछ रहा है सर, तो पहला काम क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है, क्या करना है रिड्यूस करना है। तो देखिएगा वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, और आपको दिख रहा होगा वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा। आपको सबसे ज्यादा अल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करने के लिए आपको बताया गया ट्रिगो में, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वन का स्क्वायर करेंगे तो वन और साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, वन का स्क्वायर करेंगे तो वन कॉस को करेंगे तो आपको आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप आइडेंटिटीज वन लगाइएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो वन माइनस साइन आपको आता है कॉस स्क्वायर थीटा और वन माइनस कॉस करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस बाई साइन क्या होता है वो कॉट थीटा, तो डायरेक्ट आपका कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि जब पूरा का सोल्व किए ये वाला पोर्शन को सोल्व किए तो आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। कितना आसान बात, कॉट दिया हुआ कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, तो कॉट है सेवन बाई एट, तो कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा सेवन बाई एट का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आपको 49/64। तो देखिए पूरा जो तीन सवाल हमने बताया, तीनों सवाल बताने का हमारा मतलब ये था कि आप एग्जामिनेशन में ज्यादा परेशान मत हो जाइए, कोई लंबा प्रोसेस को आप मत चूज कीजिए, टॉपिक को फॉर्मूला को रिड्यूस कीजिए, एक वेरिएबल में लाइए और उसके बाद क्या कीजिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए आप निकल जाइएगा। तो इस तरह का और सवाल देखने के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हो, ढेर सारा पुराना भी हम लोग चैनल देखिएगा, इस चैनल पे पुराना ढेर सारा आपको वीडियो डाला हुआ है, तो वहां पर बस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल करवाया गया है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अगला दिन जरूर पूछा गया है, जितना बार पीछे बताया हुआ है सब अगला दिन बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर पूछा है। तो आप पुराना वीडियो को भी एक बार समरी अप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा नहीं, और अगर आपको बढ़िया लग रहा होगा तो अपना दोस्तों यार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।